न बोले तुम न मैंने कुछ कहा। देखो वैसे भी वो मुझसे नाम से बात नहीं कर रहा, कब से अकाउंटेंट अकाउंटेंट कह के बुला रहे हैं मुझसे। अकाउंटेंट तुमसे बात कर रहा हूं मैं, दिखाई भी नहीं दे रहा क्या? इधर आओ। जी सर। क्या चल क्या रहे? फोन पे बात करने का इतना ही शौक है तो कहीं जाके तुम टेलीफोन ऑपरेटर क्यों नहीं बन जाते? सर वो नहीं, एक काम करो तो कल से यहां बैठ जाओ रिसेप्शन पे। वैसे भी ऐसे अकाउंटेंट तुम कुछ काम के नहीं हो। मात्रे ने मात्रे की फाइल रेडी है? जी सर रेडी है। तो अब मैं तुम्हें क्या इनविटेशन दूं कि संजय साहब फाइल लेके मेरे केबिन में आइए? अभी लेकर आता हूं। बी क्विक। कैसे समझाऊं उसे कि उसकी मासूम सोच की तरह सीधी सादी जिंदगी नहीं है मेरी, उसके नादान तरीकों से हमारी जिंदगी की उलझनें नहीं सुलझ सकती। जीजी आज पहली बार मैंने उस पर हाथ उठाया, समझ नहीं आता क्या हो गया है मुझे। तुझे नहीं मिला बेटा, तेरे आसपास पिछले 2-4 दिनों में इतना कुछ हो रहा है ना, ये टेंशन उन्हीं चीजों पे निकल रहा है। हाँ तू अंदर चल, मैं तेरा फेशियल कर देती हूँ। अरे तू मेरा फेशियल कर देना। शाम को जब नन्नी आएगी ना तब उससे बात कर लेना, तब तक उसका गुस्सा भी ठंडा हो जाएगा। अंदर चल। तुमने अपना बैच काम कर लिया? मुझे क्वेश्चन 4 का आंसर नहीं मिला। मेरे पापा की फोटो, मेरे पापा की फोटो नए या पुराने वाले? मेरी मम्मी कह रही थी कि इसकी मम्मी फिर से शादी करने वाली है। क्या? मेरी मम्मी कह रही थी कि दोबारा शादी करना बहुत शेमफुल होता है। झूठ, मेरी मम्मी ऐसा कुछ नहीं करने वाली है। हाँ तो फिर न्यूज़पेपर में शादी का ऐड क्यों दिया उन्होंने? वो मेरी मम्मी ने ऐड नहीं दिया था, वो मैं। तो तुम यहाँ से चली जाओगी अपने नए पापा के साथ? तुम्हारा नाम भी बता जाएगा। मुझे नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता। क्या हो श्वेता? अरे इसके नए पापा आने वाले हैं। नए पापा? तो श्वेता एक काम करते हैं, पूरी क्लास के सामने टीचर से नविका के नए पापा का नाम पूछ सकते हैं। आइडिया तो अच्छा, मैडम हमारा क्वेश्चन का आंसर देते थे, होमवर्क चेक करना ही भूल जाएगी, है ना नविका? बोलना नविका, बोलना तेरे नए पापा, बोलना नविका, नविका मुझे नहीं पता। ये आशा, उषा, किरण और संध्या, इन सबकी जन्म कुंडली निकलवानी पड़ेगी, तब जाके असली कहानी का पता चलेगा। और जब तक इनकी कुंडली हमारे हाथ नहीं लगती ना, तब तक इनके बाप तीनानाथ की कुंडली हाथ नहीं लगेगी। उसकी कुंडली भी जल्दी हाथ आ जाएगी, तू देखते जा। मैंने दाना फेंक दिया, बस चिड़िया के फंसने की देर। अच्छा चिड़िया फंसाएगा तू? अकेले रहता है इसका ये मतलब नहीं है, जो जी में आए तो करे। माँ पर में गई तेरी माँ, मर गई तेरी माँ। आशा, उषा, किरण, संध्या, ये रखो से, कम से कम मुझे बताया तो होता। अरे कुंडली तो माँ बाप मिलाते हैं ना। अरे लेकिन लेकिन एक बात कान खोल कर सुन ले, मैं कोई भी एरी गेरी आशा, उषा, किरण, संध्या को अपने घर की बहू नहीं बनवाऊंगी। Thank you.
जी, नन्नी पहुंची क्या वहाँ? नन्नी नहीं तो, मेरे ख्याल से वो तेरे पास ही होगी, क्यों? जी पापा जी, वो मैंने सोचा कि हेलो हेलो मेघा, बेटा सब ठीक तो है ना? नन्नी स्कूल बस में चढ़ी थी पर अभी तक लौटी नहीं। यहाँ स्कूल वालों से पूछ रही हूँ तो कह रहे हैं कि वो क्लास में भी नहीं थी। नहीं थी? फिर कहाँ गई नन्नी? पता नहीं, स्कूल से छुट्टी होने के बाद बस में चढ़ी ही नहीं। समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ, कहाँ देखूँ उसे। आज सुबह मैंने उसे डांटा था, मारा भी, नाराज थी मुझसे, बात भी नहीं कर रही थी। पता नहीं लग रहा है कि इसे नाराज होके कहीं वो। बेटा तू घबरा मत, मैं भी आ रहा हूँ, मिल जाएगी नन्नी, मैं बस पहुंचा ही अभी। नहीं नहीं पापा जी, आप रहने दीजिए, आप बस उसकी फ्रेंड्स के घर पे फोन करके पूछ लीजिए या देखा ही है। वो पावनी और नेहा, पावनी पोस्ट ऑफिस के पीछे वाली गली में रहती है और हाँ, नेहा मुझे मालूम है, मैं दोनों के यहाँ जा रहा हूँ, पता कर लूंगा। ठीक है बेटा। जी पापा जी। क्या कहा आपने? वो अपसेट थी क्योंकि आपने उसे डांटा और मारा भी। तो कोई ऐसी जगह हो जहाँ वो जाना पसंद करती हो या किसी से बात करती हो, खास करके तब जब वो अपसेट होती हो। कोई कोई एक ऐसा दोस्त होगा उसका जिसे वो अपनी सारी बात बताती हो। चल तेरा एक और काम हो गया। थैंक यू स्पाइडरमैन। अरे भाभी जरा अपना शॉल दीजिए ना। कहाँ जा रही हो भाई? भैया आपके साथ नन्नी को ढूंढने। नहीं नहीं तुम्हें जाने की जरूरत नहीं, तुम घर में बैठो, मैं देके आता हूँ, मिल जाएगी। पता नहीं ये मेघा करना क्या चाहती है। एक तरफ तो बेचारे संजय की नौकरी छुड़वाने का पूरा इंतजाम कर दिया है और दूसरी तरफ माजी माजी इनसे अभी फोन पे बात हो गई है, अब तक इनकी नौकरी ना बची हुई है। ज्यादा बात तो ना हो पाई है पर थोड़े उदास थे, पर रो नहीं रहे थे। हाँ क्या चाहिए? नन्नी को कहीं देखा है? नन्नी को? वो यही तो थी, पता नहीं कहाँ गई। तुम किसी बात का सीधा सीधा जवाब नहीं दे सकते हो? तुम किसी बात को सीधा सीधा समझ नहीं सकती हो क्या? आज सुबह जो तुमने ट्रेलर दिखाया ना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, उसके बाद तो मैं नन्नी से बात तक नहीं करने वाला था। हाँ unless until मैं उसका दुश्मन बन जाऊं और उसका बुरा चाहने लगूं तो। अरे पर ऐसा बर्ताव करता है कोई छोटी सी बच्ची से? जिस तरह रोते हुए भागी थी वो घर के अंदर, मुझे तो तभी घबराहट सी हुई थी। पता नहीं कहां भटक रही होगी नन्ही सी बच्ची। भाभी अब मेघा को दोष देने से नन्ही मिल तो नहीं जाएगी ना? हाँ भैया अरे जल्दी चलिए ना। अरे तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है। सुनिए मेघा की गलतियों से अगर आपको फुर्सत मिल गई हो तो कृपया मेरा चश्मा ढूंढ के दीजिए। अपने घर में खुल के बात भी नहीं कर सकती मैं। हद हो गई। संजय को फोन करके बता दीजिए कि जल्दी घर आ जाए। पापा जी वो अभी तो बड़ी मुश्किल से उनकी नौकरी बची है। नहीं मेरा कहना था कि आप छुट्टी लेने के लिए कह रहे हैं उनसे। पापा जी आज रहने दीजिए ना इन्हें प्लीज। तनुका पता नहीं कहाँ चला जाता। मैं तुम्हारा लेक्चर सुनने नहीं आई हूँ यहाँ। तुमने नन्नी को देखा है या नहीं? ठेका लिया है क्या मैंने? काम धंधे नहीं है मेरे पास, मैं जो तुम्हारी बच्ची के पीछे घूमता फिरूं। कह दिया ना नहीं देखा है मैंने, अब मेरा दिमाग मत चाटो प्लीज।